तो फिर अभी क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, जो कि गेट 2011 में आया है। क्वेश्चन क्या है? अ थ्रेड इज यूजुअली डिफाइंड एज ए लाइट वेट प्रोसेस बिकॉज बिकॉज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स स्मॉलर डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर अ थ्रेड देन फॉर अ प्रोसेस इन रिलेशन टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये क्या कह रहा है कि हम जो थ्रेड है उसे लाइट वेट प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि जो हमारा जो थ्रेड होता है वो स्मॉलर डाटा स्ट्रक्चर अपने पास स्टोर करता है कंपेयर टू प्रोसेस, और प्रोसेस ज्यादा को जब प्रोसेस को ज्यादा चीजें स्टोर करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब इसको हमें बताना है कि इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑन प्री थ्रेड बेसिस द ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेंटेन ओनली सीपीयू रजिस्टर स्टेट। ठीक है, ती वाली स्टेटमेंट गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारा जो भी हमारा क्या स्टोर होता है, हमारा हर एक थ्रेड के पास इंडिविजुअल क्या होता है। कहीं बना देता हूँ एक छोटी सी जगह बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये कोड और ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ये सारे तो सभी थ्रेड यूज करते हैं, और सभी थ्रेड्स के पास अपना इंडिविजुअल क्या होता है, एक तो उसके पास अपना रजिस्टर होगा और अपना स्टैक होगा। ठीक है, स्टैक होगा, सबके पास अपना रजिस्टर और अपना स्टैक होगा, सबके पास इंडिविजुअल रजिस्टर इंडिविजुअल स्टैक होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या कह रहा है कि ऑन प्री थ्रेड बेसिस द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स ओनली ओनली सीपीयू रजिस्टर्स। ये बात गलत है क्योंकि वो ओनली रजिस्टर ही नहीं रखता, वो साथ में स्टैक भी रखता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो फॉल्स हो गया। द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट मेंटेन अ सेपरेट स्टैक फॉर ईच थ्रेड। ये कह रहा है कि हर थ्रेड के लिए सेपरेट स्टैक मेंटेन नहीं हो जाता, ये बात फॉल्स है क्योंकि हर थ्रेड अपने लिए सेपरेट स्टैक मेंटेन करता है, अपने लिए सेपरेट स्टैक और रजिस्टर मेंटेन करता है। ये कह रहा है कि स्टैक मेंटेन नहीं करता, तो ये भी फॉल्स हो गया। ऑन प्री थ्रेड बेसिस द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट मेंटेन वर्चुअल मेमोरी स्टेट। ये बात सही है क्योंकि वो क्या चीजें रखता है, ये डज नॉट मेंटेन। हाँ, ये बात ट्रू है कि वो मेंटेन नहीं करता अपना वर्चुअल मेमोरी स्टेट, क्योंकि वो क्या चीजें सिर्फ स्टोर करता है, रजिस्टर एंड स्टैक, उसके अलावा और कुछ नहीं इंडिविजुअली। ठीक है, सो इसके अंदर क्या था, ऑन प्री थ्रेड बेसिस द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट मेंटेन वर्चुअल मेमोरी स्टैक। ठीक है, तो ये बात ट्रू है। और ऑन प्री थ्रेड बेसिस द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स ओनली शेड्यूलिंग एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये बात भी फॉल्स है। ओके, ये तो आपको पता ही है ना, ये हमारा प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस के अंदर इंडिविजुअल थ्रेड्स प्रोसेस ने थ्रेड्स बनाए हुए हैं, और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को खबर भी नहीं है कि प्रोसेस ने नीचे थ्रेड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके,